हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। आप सब में से कुछ लोगों ने शायद ही यह मुहावरा सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल यह मुहावरा उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो महत्वपूर्ण पद पे होते हुए भी किसी इमरजेंसी सिचुएशन में अपने लोगों को बचाने के लिए कोई एक्शन ना ले। यह कहावत क्यों बनाई गई, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल नीरो रोम का सम्राट था। रोमवासियों ने पहले तो नीरो का स्वागत और समर्थन किया क्योंकि शुरू में उसने अपने राज्य शासन की भी अच्छी तरीके से देखभाल की थी, पर जल्द ही उसके दुर्गुण दिखने लगे। उसने अपने भाई जो पद का असली दावेदार था उसे जहर दे के मार डाला और 4 साल बाद खुद अपनी माता की ही हत्या कर दी, जबकि नीरो को रोम का सम्राट बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। फिर उसने अपनी पहली और दूसरी पत्नी को भी मरवा डाला। उसने एक तीसरी स्त्री से विवाह करना चाहा और उसके इनकार करने पर उसे भी मरवा डाला। इसके बाद उसने एक और स्त्री के पति को भी मरवा डाला क्योंकि नीरो उस स्त्री से विवाह करना चाहता था। उसने अपने गुरु सेनेका को भी आत्महत्या करने का आदेश दे दिया। इसके अलावा उसने और भी कई प्रसिद्ध लोगों को मरवा डाला। अचानक एक दिन रोम में भयंकर आग लग गई थी। हर तरफ तबाही और हाहाकार का मंजर था। जब आग धू धू कर रही थी तो नीरो इस विनाश को अपने महल में खड़े होकर देख रहा था और सारंगी बजा रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि आग स्वयं नीरो ने ही लगवाई थी। आग बुझ जाने के बाद नीरो ने उस स्थान पर अपने लिए एक सोने का महल बनवाया था जिसका नाम उसने स्वर्ण मंदिर रखा था। क्या इससे पहले आप सभी को इस फैक्ट के बारे में पता था दोस्तों? अगर नहीं पता था तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में अपने विचार कमेंट बॉक्स में भी शेयर कीजिए। थैंक